हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं राहुल जिंदल और आज मैं लेके आया हूं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल का पार्ट सेकंड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछली वीडियो में बात की थी तीन साइंटिस्ट के बारे में, जो थे डोब्रिनर, दूसरा था न्यूलैंड और तीसरा था लोथर मेयर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे अगले तीन साइंटिस्ट के बारे में, जो हैं मेंडलीव, हेनरी मोसले, और छवें नंबर पर हम बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। चलिए एक एक करके सबके फीचर्स देखते हैं। मेंडलीव, तो मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऊपर, अरेंज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic weight, उसने atomic weight के, उसने increasing atomic weight के ऊपर elements को arrange किया था। और इसकी दूसरी property, इसने न्यूलैंड की तरह गलती नहीं की थी, इसने octaves नहीं बनाए थे, not octaves। और तीसरी फीचर इसके टेबल की, इसमें भी हमें पीरियोडिसिटी देखने को मिल रही थी। क्या मिल रही थी? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी होता है रेपिटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये है मेंडलीव की कुछ प्रॉपर्टीज। तो इसने कहा था कि जो मेरा टेबल है ना, वो एक लॉ पर डिपेंड करेगा जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ये इस लॉ में क्या है, वो कहता है द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए एलिमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एटॉमिक वेट। या देखिए, दिस सेड दैट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन of their atomic weight। ये था हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इसी के बेस पे उसने हमको दिया था मेंडलीव्स टेबल, जो जिसको हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अब हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स के बारे में। चलिए पहले बात करते हैं इसके मेरिट्स के बारे में। इसका सबसे बड़ा मेरिट ये था कि इसने उस टाइम तक के सभी नॉन एलिमेंट्स को इस टेबल में पुट कर दिया था।
जो उससे पहले साइंटिस्ट आए थे उनमें से किसी ने भी सभी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया था, इसलिए सबसे सक्सेसफुल मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल रहा था। तो पहला मेरिट था ऑल 63 एलिमेंट्स, वर ग्रुप्ड इन द टेबल। और दूसरी सबसे खास बात इसकी, इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिए थे, ताकि अगर कोई एलिमेंट आगे फ्यूचर में डिस्कवर हो तो हम उसको उसकी प्लेस में रख सकें। ये इसकी एक बहुत बड़ी मेरिट थी, क्या थी, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। और इसने फ्यूचर में आने वाली जो फ्यूचर में इन्वेंट होंगे उन एलिमेंट्स की इसने हमको प्रॉपर्टीज बता दी थी, तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा मेरिट था। प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। और आगे हम बात करेंगे, इसने कहा था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगी ना किसी एलिमेंट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके एटॉमिक वेट पे। इसका मतलब जितना वेट बढ़ेगा उतनी उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी बढ़ेंगी, और जितना वेट कम होगा उतनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारे पास कम होंगी। तो ये था इसने, तो इसको लिखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। और लास्ट है इसका मेरिट, वो था कि इसने बेरिलियम का एटॉमिक मास चेंज कर दिया था। पहले हम बेरिलियम का जो एटॉमिक मास होता था उसको 13.5U मानते थे, लेकिन ये गलत था, जबकि होना चाहिए था उसका 9U। तो मेंडलीव ने आके अपने पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम का जो मास था वो 13.5U से बदलकर 9U कर दिया था। इसका मतलब उसने ये बिल्कुल सही काम किया था, इसलिए इसका एक बहुत बड़ा मेरिट है। तो यहां पे इसको लिखेंगे, ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम फ्रॉम 13.5U टू 9U। तो ये थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की हमारे पास सभी मेरिट्स। तब हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स के बारे में। डीमेरिट्स, तो सबसे पहले इसकी डीमेरिट ये थी कि ये हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पाया था, कि जो हाइड्रोजन है उसको कहाँ पे कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में रखना है ये वो नहीं बता पाया था। तो ये उसकी बहुत बड़ी डीमेरिट थी। तो उसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरी सबसे बड़ी इसकी डीमेरिट थी आइसोटोप्स की पोजीशन। आइसोटोप्स होता है वो, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेम एटम विच हैव डिफरेंट मास बट सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स होते हैं जिनका मास डिफरेंट हो लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम हो, तो वो उनकी पोजीशन नहीं बता पाया था हमको, इसलिए उसका बहुत बड़ा डीमेरिट था। और
इसका अगला बड़ा डीमेरिट है कि उसने पेयरिंग बहुत ज्यादा गलत की थी। उसने सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम को ग्रुप कर दिया था, ग्रुप कर दिया था कॉपर एंड सिल्वर के साथ, जबकि इनकी सबकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं होती, तो ये उसका एक डीमेरिट बन गया था। और अगला उसका सबसे बड़ा डीमेरिट है कि उसने गोल्ड एंड प्लैटिनम को साथ में नहीं रखा। इनकी प्रॉपर्टी सेम है तो इनको साथ में होना चाहिए था, लेकिन इनको सेपरेट कर दिया, गोल्ड एंड प्लैटिनम सेपरेशन। ये उसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। और इसका आखिरी डीमेरिट है, इसने एटॉमिक वेट पे दी थी ना हमको, तो इसने कोबाल्ट को निकल के बाद में रख दिया। कोबाल्ट इज प्लेस्ड आफ्टर निकल, जबकि असली में निकल को आगे आना चाहिए था और कोबाल्ट को पीछे आना चाहिए था। ये यहां पे इसने गलती कर दी, तो इसको हम बोलते हैं एनोलोमस पेयर। एनोलोमस पेयर, इसने यहां एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ही था जो सबसे ज्यादा साल चला था, क्योंकि बाकी वाले जो थे वो थे कॉम्प्लेक्स, किसी की समझ में नहीं आए तो उनको डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना हेनरी मोसले। अब हम बात करेंगे हेनरी मोसले के बारे में। तो फ्रेंड्स, तो हेनरी मोसले था ना, उसने जो पीरियोडिक टेबल दिया था हमको, उसने एटॉमिक नंबर के बेस पे दिया था। उसने कहा था कि एटॉमिक नंबर इज द बेटर क्राइटेरिया टू मेक पीरियोडिक टेबल देन एटॉमिक वेट। उसने कहा था कि एटॉमिक नंबर इज बेटर क्राइटेरिया देन एटॉमिक मास फॉर द पीरियोडिक टेबल। उसने ऐसा कहा क्योंकि उसने देखा कि जो मेंडलीव है, मेंडलीव आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता पाया, तो इसमें सबसे बड़ी एक्सेप्शन आ जाएगी आइसोटोप्स। इसलिए इसने कहा कि हम मास को छोड़कर अगर एटॉमिक नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करें तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल बनेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो इसने एटॉमिक नंबर को ढील लिया और उससे अपना टेबल बनाया। तो इसने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने मेटल ब्लॉक्स रखे यहां पर, एलिमेंट्स के ब्लॉक, कोई यहां पर तीन कोई एलिमेंट रखे उसने, और यहां पर उसने एक्सरेस पास करी, एक्सरेस। उसने देखा कि जहां पर स्ट्राइक कर रही है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और उसने ऐसे ही हर जगह से करना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा कि जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, उसने गिनना स्टार्ट कर दिया। तो जिस एलिमेंट में से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, उसका बन जाता है एटॉमिक नंबर। तो उसने कहा कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको पीछे रखेंगे और जिसका कम है उसको आगे रखेंगे। तो इसलिए इसने एटॉमिक नंबर को बेटर क्राइटेरिया माना एज कंपेयर टू एटॉमिक मास के। तो इसने कहा कि जो एक्स रेज है, आपको गैस पता है कि जो रेज होती हैं वो फ्रीक्वेंसी में चलती हैं,
द ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसने कहा कि अंडर रूट एफ इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, तो उसने कहा जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो उसने यहां से कंक्लूड किया कि जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतनी ही एक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। तो उसने लिखा अंडर रूट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट सम को एक फॉर्मूला भी दिया। फॉर्मूला क्या था ये देखिए, ने हमको ये फॉर्मूला दिया। अबे ड्राइव कैसे होगा हमारे पास, तो ये देखिए आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी होती है जो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यू। तो अभी इसने एफ की जगह न्यू पुट कर दिया और जेड तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो ए और जो बी है वो थे हमारे पास हेनरी मोसले कॉन्स्टेंट जो कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं और ये हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी ए एंड बी हेनरी मोसले कॉन्स्टेंट विच डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट। और तो जेड तो आपको पता ही है दोस्तों की एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो ये हमारे पास पूरा हेनरी मोसले का एक्सपेरिमेंट जो उसने किया था। तो आज का टॉपिक हमारा आखिरी रह गया है जो है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों हमने वो सिर्फ थोड़ा सा ही करना है जितना हमें जरूरत है, पढ़ेंगे अब हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो गाइस इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसका अनदर नेम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जितने भी आज तक पीरियोडिक टेबल बने हैं ना, सबसे मॉडर्न हमारे पास ये है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये आया था 150 से 200 साल पहले, उसके बाद कोई हमारे पास पीरियोडिक टेबल नहीं आया। तो आज तक हम इसी को मान रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। इसमें अभी तक 118 एलिमेंट्स भरे गए हैं और आगे भी स्पेस छोड़ी गई है ताकि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो हम उसकी जगह उसको डाल सके। तो गाइस जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, ये एक लॉ पर डिपेंड करता है जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल डिपेंड्स अपॉन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर डिपेंड करता है। तब हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। तो गाइस जैसा हमने पढ़ा था मेंडलीव में कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, क्योंकि उसने वेट को मेजर क्राइटेरिया लिया था और यहां पर हमने एटॉमिक नंबर को लिया है, तो बस वेट की जगह एटॉमिक नंबर आ जाएगा, बाकी सेफ।
तो क्या था हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो बस यहां पर एटॉमिक नंबर है, उसमें एटॉमिक वेट था। तो गाइस इतना ही है हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और आगे कुछ नहीं है। तो बस 118 एलिमेंट्स का पूरा टेबल है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।